पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जो जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं, तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा, कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वह मांग कर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और मैं पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन, सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु, ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं, यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी, छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा, मेरा यह वचन सत्य जानना।
हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभो, केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं देखता। तपस्वी ने कहा, हे राजन, सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो, उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूली को धारण किए रहती है। ऐसी कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभो, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो, पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन, सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नए 100,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बताई देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हें पुरोहित को हर लाऊंगा। तप के बल से उसके अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा, और हे राजन, सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुवर बनकर राजा को भटकाया था।
वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भारी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो, विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ी की कोह में ला रखा। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा कर कह दिए।